हमारे दरमियान शंकरपुर से मदरसा रियाजुल उलूम से तशरीफ लाए एक ऐसा सहाफी, एक ऐसा कलमकार जिनकी कलम रानी और जिनके कलम के नोक की तारीफ तमाम लोग करते हैं। इस वक्त मैं बहुत अदब के साथ अपने छोटे भाई मोहतरम बरकतुल्ला गाजी को आवाज देना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाए और अपने मकाले को पेश करें इन चार मिसरों के साथ कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए, और ये भी मुमकिन है मयसर नहीं हो पाऊं तुमको, और ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। आली जनाब बरकतुल्ला गाजी साहब मकाला पेश करेंगे, आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। तहजीबों के इश्तराक की बलिन फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी जनाबे सदर मुशायरा जनाब सुल्तान शमशी मधुबनी जिहानतों को जुमलों में तब्दील कर देने वाली शख्सियत जनाबे दिल खैराबादी और अवाम को अपनी गुफ्तगू से मुजयन बना देने का शऊर रखने वाली शख्सियत जनाबे अनवर कमाल साहब बहरैन बसीरतों को गुफ्तगू में बसीरतों को तकसीम करने वाली शख्सियत जनाबे अकमल बलराम पुरी और मेरी जीस्त को परवान चढ़ाने वाली शख्सियत बिरादरे मुकर्रम जनाब मोहिबुल्ला भाई साहब मदरसा टीचर्स यूनियन सेक्रेटरी सुपौल वो चेयरमैन फ्रॉम इंसानियत फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट सुपौल जिनकी अजमतों को तस्लीम ना करना उर्दू के साथ ना इंसाफी हो और मेरी उकाबी निगाहों के माबैन तशरीफ फरमा मोहिबान उर्दू को मैं अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का सलाम पेश करता हूं। मेरी जबीने अकीदत का सलाम पेश करती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम पेश करती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। बहुत सामाईने बात अंकीन उर्दू जबान की असर परेजी शीरनी जाज़बियत व अहमियत कभी भी बाईस निजा या वजह इख्तलाफ नहीं रही है। अलबत्ता यह हकीकत तल्ख जरूर है कि यगानों की मुगायरत और बेगानों के खुसूमत के बाईस इस जबान पर ऐसे ऐसे पैगंबरी वक्त भी पड़े कि मोहब्बान उर्दू सोच कर लरज जाते हैं कि उर्दू जबान भी कहीं सुर्ख गंदक की तरह नायाब ना हो जाए। अब जबकि इम्ताद जमाना की गुलखन से सोना कुंदन बनकर निकला है तो उर्दू दुनिया भी सुनकर यकीनन झूम उठेगी के यूनिसेफ के एदाद और शुमार के मुताबिक उर्दू इस वक्त दुनिया की बड़ी जबान और आइंदा दो एक दहाइयों में दुनिया की सबसे बड़ी जबान हुआ चाहती है। गमे जमाना मुझे कर सकेगा क्या जख्मी, गमे जमाना मुझे कर सकेगा क्या जख्मी, किसी ने आबे रवा में भी तीर मारा। तारीख तहजीब रिवायात उर्दू जबान की रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी होती है। मुशायरे उर्दू जबान और सिकावत का एक गिरा कदर सरमाया है। जबान के फरोग व बका के लिए मुशायरे बहुत किरदार अंजाम देते हैं। आजकल लोगों के पास अच्छी उर्दू सुनने और सीखने का वक्त नहीं है, ऐसे माहौल में चंद घंटों के लिए मुनाकिद मुशायरे उर्दू की खिदमत के साथ लोगों की ज़हनी सुकून का जरिया बनते हैं, जिसका बखूबी अंदाजा आज का ये मुशायरा बनाम जश्न कैसर अली राणा के नाम का हम अपनी उकाबी आंखों के जरिए मुशायदा कर रहे हैं। सामईन दिल नवाज जश्न मुशायरे से भी आगे की चीज है कि इसमें किसी शख्सियत के हमागीर होने को और रिफत बुलंदी की सीढ़ियों पर परवाज करने की अहमियत को बतलाती है।
जिनको अहले नजर ने जान लिया कि नक्शे पाक की सूखियां गुमशुदा कारवां का पता दे रही है, लिहाजा यही जज्बा पैदा हुआ और मजलिस फुरुगे इंसानियत फुरुगे उर्दू अदब के बाहिमी इर्तिबात और इत्तिसाल का बाइस बना और आज का जश्न कैसर अली राना के नाम महफिल मुशायरा का इनेकाद हुआ। जो हम न हो तो जमाने की सांस रुक जाए, जो हम न हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कतीले वक्त के सीने में हम भड़कते हैं। सामने बात अकीन बिहार की मर्दुल खेज सरजमीन से एक गजल को सावन की घटा की तरह उठा है और आनंद फानन आसमान अदब में छा गया है। वो गजल नहीं कहता, जादू जगाता है। शायरी नहीं करता, शाहिरी करता। वो जब कभी नगमा सिरा होता है तो यूं लगता है जैसे किसी बसीतो अरीज वीराने में कोई जख्मी फरिश्ता याद कर रहा है, सिसकियां भर रहा है। इनकी गजलें पढ़ने या सुनने के बाद फिराक गोरखपुरी का ये शेर बेख्तियार जबान पर आ जाता है कि गजलें कब कहता हूँ यारो, गजलें कब कहता हूँ यारो, गम को लोरियां देता हूँ, कुछ रात गए सो जाता हूँ जब तुमको नींद आ जाती है। उस गजल गो का नाम कैसर अली राना है। कैसर अली राना जिनके एजाज में ये महफिल मुशायरा मुनअक़िद हुआ। उर्दू दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मुनफरिद लबो लहजा के एक ऐसे शायर जो तकरीबन 14-15 बरस से गैसी उर्दू की मश्तागी को मश्तागी में मसरूफ है, जो नई नस्ल के उभरते शायरों में से एक है, जो बिहार के अदबी मैदान के लिए कुछ आइन है, जो अपनी खूबसूरत गजलों के जरिए लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने में कामयाब हो रहे हैं। कैसर अली राना की शायरी में मोहब्बत और उल्फत की खुशगवार झोंके भी हैं, हिजर की दर्द भी है, जवानी की उमंगे भी हैं और असर हाजिर के फसाने भी। इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने जज्बात को शायरी के साचे में ढाल कर गजल की इमारत खड़ी है खड़ी की है। इनकी गजल जख्मी गजाल की आह या तीर नम कश हुआ करती है। यूं तो इन्होंने अपनी शेरी सफर का आगाज अजहरुल हिंद दारुल उलूम देवबंद से सनदे सबा अशरा के बाद जहाने अदब से वाबस्ता होकर माहाना नशिश्त में बाजोक शोरा के माबैन से आगाज किया और फिर भरपूर इस्तेफादा किया। चुनांचे आप यूपी के अकनाफो अतराफ में इब्तदाई मराहिल में कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने लगे। चुनांचे माही कोटा यूपी में नातिया मुशारे में जनाब कैसर अली राना ने अव्वल पोजीशन हासिल की और सदर जमीयत उलमा यूपी मौलाना नजर साहब मुजफ्फर नगरी के हाथों अवार्ड से नवाजे गए और रफ्ता रफ्ता मुल्क के चप्पे चप्पे में मुनअक़िद होने वाले मुशायरों में अपनी बार बार हिंदुस्तान की कामयाब नुमाइंदगी कर चुके हैं और कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में शेर शायरी की रूह फूंकने वाली शख्सियत आपके बरादरे करीम मौलाना हैदर मजहरी की जाते गिरामी है। बुनियादी तौर पर आप गजल के शायर हैं, कलाम में क्लासिकियत है। चंद नमूने आप सामईन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। वो जमाना मुफलिसी में सैकड़ों इल्जाम देता है, वो जमाना मुफलिसी में सैकड़ों इल्जाम देता है, बुरे दिन आ गए मेरे मुझे अब तुम भुला देना। कई गजलें हैं इनका वक्त दामनगीर है। सामईन दिल नवाज आज का ये महफिल मुशायरा जश्न कैसर अली राना जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ फुरोग उर्दू और पयाम इंसानियत है कि उर्दू का एक तालिब कि जिन्होंने अपने शेरी सफर के जरिए मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने शहर आफाक का जाल बिछाया तो आज इस महफिल का दूल्हा और नोशा बना। यकीन जाने उर्दू हमारे मुल्क की जीती जागती तहजीब और तमद्दुन की जबान है। उर्दू जबान की यह खूबी है कि एहतराम आदमियत की जबान है। इस जबान में झाड़ू लगाने वाले बोलो बराज को साफ करने वाले पोछा लगाने वाले को भंगी नहीं कहा जाता है बल्कि हलाल खोर कहा जाता है। पानी पिलाने वाले जिसको आप बिस्ती कहते हैं
ये उर्दू जबान है कि जिसके अंदर पानी पिलाने वाले को दृष्टि नहीं बल्कि बहिष्टी कहा जाता है। ये एहतराम आदमियत की जबान है, फुरूग इंसानियत की जबान है और इस जबान के शायर का जश्न है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ तमाम अराकीन का जिन्होंने फुरूग उर्दू के लिए इतना खूबसूरत जश्न सजाया कि जिस जबान के बारे में लोग कहते हैं कि ये गैर मुल्की जबान है, तो इस वक्त मुझे ये शेर बार बार याद आ जाता है कि हिंद की आन बान शान है उर्दू, हिंद की आन बान और शान है उर्दू और रौनके कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? अरे क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की, क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की जबान है उर्दू, तो ये जबान हमारी माँ की जबान है और इस जबान की हिफाजत करना हम सबों के ऊपर फर्ज है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो असली तालीम के अंदर जुड़े हुए हैं उनको उनके तालीम में उर्दू सब्जेक्ट भी रखने के लिए कहें। ये वो नुस्खा है कि जिनके जरिए उर्दू की तरवीज मुमकिन है और यूं यूं कतरा कतरा दरिया में शब्द नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो क्या आती है उर्दू जबान। आते आते आखिर में उर्दू शेर व अदब के दामन को गुलहाए रंग रंग से रंग भर देने वाले साहिब जशन जनाब कैसर अली राना की अजमतों को मैं उन्हीं के अल्फाज में खिराद अकीदत पेश करता हूँ कि इनायत मेहरबानी दोस्ती से चोट लगती है, इनायत मेहरबानी दोस्ती से चोट लगती है, ये दिल टूटा है जब से दिल लगी से चोट लगती है। उजालो दूर हो जाओ कि मैं तो एक मुद्दत से अंधेरों में बसा हूँ, रोशनी से चोट लगती है। बहुत शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। आमीन।